बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। शान अली टीवी की आज के इस वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, मसाजिद दुनिया भर में है। मसाजिद छोटी हो या बड़ी, उसका मकाम और रुतबा एक बराबर ही होता है। लेकिन दुनिया भर में कुछ मसाजिद इतनी खूबसूरत हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमने इस वीडियो से पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने दुनिया भर की खूबसूरत तरीन मसाजिद और सबसे बड़ी मसाजिद का जिक्र किया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की टॉप 10 मसाजिद के बारे में बताएंगे, जिनको देखकर आप ये जरूर कहेंगे कि काश एक बार हमें इनकी ज्यारत नसीब हो जाए। वीडियो में मजीद आगे जाने से पहले, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 10, महाबत खान मस्जिद पेशावर। नाज़रीन, पेशावर की ये मशहूर और हसीन तरीन मस्जिद 1670 में काबुल के गवर्नर महाबत खान ने बादशाही मस्जिद लाहौर के तर्ज पर तामीर करवाई और ये मस्जिद महाबत खान के नाम से आज भी मंसूब है। इस मस्जिद का सहन 35 मीटर लंबा और तकरीबन 30 मीटर चौड़ा है। नाज़रीन, इस मस्जिद के सहन के दरमियान एक बहुत बड़ा गौस भी मौजूद है। मस्जिद की दीवारों को और गुंबदों को काशीकारी के अलावा नक्शा निगारी और बरका निगारी से बनाया गया है। इस मस्जिद के 34 मीटर बुलंदो बाला मीनारों के दरमियान 6 छोटे छोटे मीनार भी हैं। नंबर 9, तूबा मोज़ कराची। नाज़रीन, मस्जिद तूबा कराची की तर्ज तामीर बड़ी मुख्तलिफ और दिलचस्प है। ये जानकर आप हैरान होंगे कि ये दुनिया की वाहिद सबसे बड़ी गुंबद की हामिल मस्जिद है। एक और खास बात, इतने बड़े गुंबद को बिना पिलर्स के सहारे बनाया गया है, यानी सतून मौजूद ही नहीं है। गोल गुंबद की वजह से लोग इसे गोल मस्जिद के नाम से भी पुकारते हैं, मगर इसका असल नाम तूबा मस्जिद है। इस मस्जिद का शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत और नामवर मस्जिद में होता है। अब अगर इसकी तामीर की बात की जाए तो इसकी तामीर का काम सन 1966 में शुरू हुआ, जो कि 3 साल के अरसे में मुकम्मल कर लिया गया था। नाज़रीन, इस मस्जिद के मेमार बाबर हामिद चौहान और इंजीनियर जहीर हैदर थे। इस मस्जिद के गुम्बद में लगाए गए शीशों की तादाद 70,000 से भी ज्यादा है। नाज़रीन, इस मस्जिद में एक वक़्त पर 30,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। अब अगर मस्जिद तूबा के टोटल दरवाजों की बात की जाए तो इसके 20 से 25 दरवाजे मौजूद हैं। मस्जिद के अंदर एंटर होते ही हमें ब्लू कलर की टाइल से मज़ीन फवारे और उसके दोनों जानिब चॉकलेटी और ब्लू टाइल से बना खूबसूरत वजू खाना नजर आता है और इसका फर्श सफेद मार्बल से बना हुआ है। सीढ़ियां चढ़ते ही मस्जिद के हॉल का मेन गेट और चारों तरफ सब्ज़ाज़ार जो मस्जिद तूबा के हुसन में बेपना इजाफा करता है। नंबर 8, सुख चैन मस्जिद लाहौर। दोस्तों, इस्तांबुल की नीली मस्जिद के नक्शेसानी लाहौर में वाकिया मावी मस्जिद, जो मुल्तान रोड के निजी हाउसिंग सोसाइटी में बनाई गई है, 3.5 कनाल पर पहली जदीद तर्ज की इस मस्जिद को 2011 में मुकम्मल किया गया। मस्जिद के हॉल की खिड़कियों पर शीशे की मीनाकारी और तुर्क स्टाइल के डिजाइन भी वाकिया है, जो देखे देखता ही रह जाए। अल्लाह के सिफाती नामों के साथ साथ 4 नीम गुंबदों पर खुल्फाए राशिदीन के नाम इस्लामी फने तामीर को मजीद दिलकश बनाते हैं। नाज़रीन, मावी मस्जिद में 2,000 से ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। अपने तर्ज की जदीद और निहायत खूबसूरत ये मस्जिद यहाँ आने वाले सभी लोगों को अपने शहर में जगह लेती है। नंबर 7, शाहजहान मोस्क ठट्टा। नाज़रीन, पाकिस्तान की ये खूबसूरत मस्जिद 100 गुंबदों वाली मस्जिद के नाम से भी मशहूर है। इस जामिया मस्जिद की बुनियाद 1644 में रखी गई। नाज़रीन, ये मस्जिद पाकिस्तानी कारीगरी, नज़ाकत, रंगों और तरतीब का एक हैरत अंगेज नमूना है। 500 साल कबल इस मस्जिद की तामीर पर 9,00,000 रुपए खर्च हुए। 16वीं सदी में तामीर होने वाली मस्जिद में बेक वक़्त 20,000 अफराद सरबसजूद हो सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ की खूबसूरती देख कर यहाँ आने वाले दंग रह जाते हैं। नाज़रीन, इसीलिए ये सिर्फ सजदा करने की जगह नहीं रही, बल्कि सयाहों की कसीर तादाद एक बड़ी तादाद यहाँ पर आती है। आपने सुना होगा कि यहाँ पे अगर एक कोने से अजान दी जाती है
तो बगैर किसी माइक के वो आवाज़ दूसरे कोने तक भी जाती है। इस मस्जिद की तामीर 3,000 अफराद ने की है और बताया ये जाता है कि जिस वक़्त वो तामीर कर रहे थे बावजू हुआ करते थे। नंबर 6, ग्रैंड जामिया मस्जिद अल्लाहबाद। नासरीन, ये मस्जिद पाकिस्तान के सूबे सिंध के शहर कंडियारों में वाकया है। पाकिस्तान की जदीद डिजाइन वाली इस मस्जिद पर इस्तेमाल होने वाली टाइल्स हाथ से बन करके गुज़श्ता 12 साल से डिजाइन करके लगाई जा रही हैं। इस मस्जिद का नाम ग्रैंड जामिया मस्जिद अल्लाहबाद है। ये मस्जिद कंडारियो जिला नौशहरा फिरोज सिंध पाकिस्तान में वाकया है और ये कराची से 415 किलोमीटर कौमी शाहराह पर वाकया है। और नाज़रीन, ये मस्जिद 101 गुम्बदों पर मुश्तमिल है। मरकजी गुम्बद 115 फीट की ऊंचाई पर है, दूसरा गुम्बद 78 फीट और बाकी गुम्बदों की लंबाई 26-26 फीट है। नंबर 5, जामिया मस्जिद भूंग, रहीम यार खान। ये मस्जिद पाकिस्तान के शहर रहीम यार खान में है और इसे पाकिस्तान की एक खूबसूरत मस्जिद समझा जाता है। भूंग मस्जिद का मंसूबा इब्तिदा में 1932 में शुरू किया गया था और अब इसमें एक बड़ी मस्जिद, एक मदरसा, एक छोटी शाही मस्जिद और तुलबा के लिए रिहायशी इलाका शामिल है। इस मस्जिद का प्रोजेक्ट पाकिस्तान और हिंदुस्तान डेवलपर और बिल्डर्स को दिया गया था और जो तकरीबन 50 सालों में मुकम्मल हुआ। उन्होंने फनकाराना नासिर को मगरबी पहलू से मरतूब किया ताकि उसे एक अनोखी और मुख्तलिफ शक्ल दी जा सके। नाज़रीन, इस मस्जिद की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए क्लासिकी और मस्नूई दस्तकार और मवाद इस्तेमाल किया गया है। नंबर 4, बादशाही मस्जिद लाहौर। नाज़रीन, लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है जो अपनी तारीखी, अदबी और सकाफती विरसे के एतबार से दुनिया भर में एक मुनफरिद और मुमताज हैसियत रखता है। 10वीं सदी कबल मसीह आबाद होने वाले शहर की एक शनाख्त जिसकी मुनफरिद तारीखी इमारत भी है। इन इमारत में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर की तामीर करदा आलीशान बादशाही मस्जिद भी शामिल है। सदियों पहले तामीर होने वाली ये मस्जिद आज भी पूरे आबोताब के साथ अपने अजमत रब्ता की याद दिलाती है। नाज़रीन, बादशाही मस्जिद की तामीर 1671 में शुरू हुई और इसकी तामीर में 25,000 से 30,000 मजदूरों ने हिस्सा लिया और ये मस्जिद अप्रैल 1673 में मुकम्मल हुई। बादशाही मस्जिद लाहौर के वस्त में मौजूद है। इसके एक जानेब तारीखी मीनारे पाकिस्तान भी मौजूद है और इसके मरकजी दरवाजे के सामने किला लाहौर वाकया है। इस मस्जिद की तामीर के लिए दूर दराज इलाकों से नहायत उम्दा पत्थर मंगवाया गया और इसकी तामीर में ज्यादातर संगे सुर्ख इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर कीमती रंगीन पत्थरों से मुख्तलिफ नक्शो निगार भी बनाए गए हैं जो कि बेहद खुशनुमा नजर आते हैं। नाज़रीन, इस मस्जिद का सहन भी निहायत कुशादा है। ये मस्जिद फने तामीर का एक शाहकार है। नंबर 3, ग्रैंड जामिया मस्जिद लाहौर। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो कि लाहौर के बहरिया टाउन में मौजूद है और इस मस्जिद के नक्शे को डिजाइन किया है पाकिस्तान के फेमस डिजाइनर नैयर अली दादा ने। पाकिस्तान के मशहूर डिजाइनर नैयर अली दादा की डिजाइन करदा इस मस्जिद का इफ्तिताह 6 अक्टूबर 2014 को ईद उल अज़हा के मौके पर किया गया था। इस मस्जिद की फने तामीर बादशाही मस्जिद और वजीर खान मस्जिद से मुतासिर है जिसमें 4 अरब रुपए से ज्यादा या तकरीबन $39 मिलियन लागत आई। दोस्तों, इस मस्जिद के ढांचे में 4 मीनार हैं और हर मीनार की लंबाई 165 फीट है और एक अजीम गुम्बद भी शामिल है जो कि 20 छोटे गुम्बदों से घेरा हुआ है। नाज़रीन, इस मस्जिद के बैरूनी हिस्से में 4 मिलियन हाथ से तैयार करदा मुल्तानी टाइल्स लगाई गई हैं। तुर्की से दरामद शुदा कालीन और ईरान से दरामद शुदा 50 से ज्यादा फनों से सजाया गया है। नंबर 2, फैसल मस्जिद इस्लामाबाद। पाकिस्तान में फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में मारगला पहाड़ियों के नक्शे कदम पर वाकया है और इसके चारों तरफ हरियाली है। नाज़रीन, हैरत अंगेज तौर पर इसने अपने मुनफरिद डिजाइन और फने तामीर की वजह से बैन अलाक़वामी सतह पर तवज्जो हासिल की है। नाज़रीन, फैसल मस्जिद में एक वक्त में 30 लाख के करीब नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं और यहाँ तक कि लोगों के वुजू के लिए एक बड़ा तालाब भी मौजूद है। यहाँ पर एक बड़ी लाइब्रेरी है जहाँ आपको बहुत सी इस्लामी और तारीखी किताबें मिल सकती हैं। नंबर 1,
ग्रैंड जामिया मस्जिद कराची पाकिस्तान के सूबे सिंध के शहर कराची में दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद वाकिया है। पाकिस्तान की ये मस्जिद मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है, जिसमें एक वक्त पर 8 लाख अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, ये मस्जिद 128 गुंबद और ग्रैंड डोम पर मुश्तमिल है। ये मस्जिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद है। 4 बिलियन की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट से बनने वाली ये मस्जिद काफी हसीन है कि आंखें देखती ही रह जाती हैं। 200 एकड़ का एक बड़ा रकबा इस ग्रैंड जामिया मॉस्क के अंदर आता है और ओवरऑल इसके 150 रूम्स हैं। बहरिया टाउन कराची की हर तरफ से आपको इसका 4 साइड व्यू नजर आता है। नाज़रीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए।